मॉर्निंग एवरी वन, दिस साइड ज्ञानेंद्र बैक हियर ऑन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि इस बार फर्स्ट वीडियो के लिए लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद मुझे थोड़ा सा डिले हो गया, मैं कहीं पर स्टक अप हो गया। बट गोइंग फर्दर आई वुड मेक श्योर कि इतना डिले नहीं होगा। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि हम आज से फर्स्ट लेसन अपना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें इंग्लिश के क्लासेस, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने सीखा है और जो मतलब मेरे आपके ये गुरु जो हैं या जहाँ मैंने वर्क किया है और जो मैंने ट्रेनिंग्स ली है, जो बच्चों को ट्रेनिंग्स दी है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को जितना छोटा और जितना सिंपल सेंटेंस रखेंगे उतनी ही अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे और उतनी ही अच्छी आपकी ग्रैस्पिंग पावर होगी। बिकॉज कुछ लोग जैसे नॉर्मल जो होते हैं सोचते हैं कि यार जो बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलते हैं या बहुत ही मतलब फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हो वो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना सिंपल रखें, जितना छोटा सेंटेंस बोलें उतना ही अच्छा। आप छोटे सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि आई एम गोइंग टू, मतलब ये नहीं तीन वर्ड में आपने सेंटेंस ख़त्म कर दिया। छोटा मीन्स कि ऐसा वर्ड का सिलेक्शन करें जो सिंपल हो और सबकी समझ में आए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। मतलब कि आपको इंग्लिश बोलना आए उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत ही अच्छा सुनने वाले हैं। मतलब कि जो चीज़ आपको कोई बोल रहा है सामने से, अगले इंग्लिश में किसी ने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया या कहीं पे आप गए सेमिनार में गए, कहीं पे गए, अगर सामने वाला क्या बोल रहा है उसको पहले सुन के समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस स्टेप पे आऊँगा, बस बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ये भी जब मैं रेगुलर मॉड्यूल्स पे लूँगा तो ये स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊँगा कि सुनने के लिए आपको क्या अपनी प्रैक्टिस में क्या चीज़ लाना चाहिए। और एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा, मैं ये नॉर्मल क्लासेस के अलावा बीच बीच में जो हमारे व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं मैं उन पर भी डिस्कशन करूँगा। जैसे कि अभी जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था तो उसमें एक व्यूअर हैं शिवम, उन्होंने क्वेश्चन पुट किया था कि मतलब कि उनको हेजिटेशन होती पब्लिकली बात करने में, मतलब कि इंग्लिश उनको आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उनको इंग्लिश आती है बट वो हेजिटेट करते हैं कि मैं मतलब पब्लिकली या जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में कैसे इंग्लिश बोलें। तो उनसे मैं बस इतना कहना चाहूँगा, हेजिटेशन देखिए सबके साथ होती है बट हेजिटेशन को दूर करने का सिंपल एक तरीका है। मतलब जैसे आपने बचपन में सीखा होगा कि आप स्कूल की असेंबली में जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे कि आप कुछ मत करिए, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, स्पीच दीजिए। तो हेजिटेशन के लिए सिंपल से यही तरीका है कि हाँ, कम्युनिकेशन दूसरी चीज़ है और यहाँ पे स्पीच देना दूसरी चीज़ है। बट अगेन, अगर आपको हेजिटेशन होती है तो सिंपल सी चीज़ है, आप दो मिनट कोई भी पैराग्राफ ले लीजिए या अपने आप से क्वेश्चन पुट करिए कि जैसे मैंने पूछा ओके शिवम हाउ आर यू, सो आप सामने खड़े होइए और मिरर को देख करके उस चीज़ का सिर्फ आंसर दीजिए और देखिए धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये, हेजिटेशन तो नहीं करनी चाहिए, आप गलत बोलें कोई बात नहीं, हाँ फिर से शॉर्ट एंड सिंपल खुद को रखें। गलत बोलें, एक बार गलत बोलेंगे, दो बार गलत बोलेंगे, धीरे धीरे आपको खुद बाद में एहसास हो अच्छा मैंने ये गलती की थी, अब इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप मुझसे, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप खुद सभी लोग एक सर्टेन टाइम बता दें कि हम मतलब वीक में इस दिन सारे अवेलेबल हो जाएंगे, हम लाइव सेशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे। जिनको बिल्कुल मतलब जिनको बेसिक नहीं सीखनी वो तो मैं कंडक्ट करता रहूँगा, और जो थोड़ी मीडियोकर्स हैं जिनको आती है बस हेजिटेशन है बोलने में, उनके साथ मैं हर वीक सैटरडे या संडे को एक हम लाइव सेशंस रखें जहाँ पर हम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लें। अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं स्पोर्ट्स का, या फिर
कोई भी टॉपिक हम सेलेक्ट कर लें और आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जिससे हमारी जो हेजिटेशन है वो धीरे धीरे दूर होगी। और आप सभी लोगों से निवेदन है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप गांव में 4-5 बच्चों को, कुछ एक ग्रुप बच्चों का तैयार कर सकें, उनके लिए अगर हम लाइव सेशन या मैं कुछ उनको कंट्रीब्यूट कर सकूं, सो इट वुड बी अ प्लेजर फॉर मी। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी, और ये सिर्फ मुझे अच्छा लगेगा, और आप लोग भी अगर जोड़ते हैं लोगों को तो आपके लिए भी ये बहुत ही अच्छा होगा। सो लेट्स बिगिन विथ अ फर्स्ट टॉपिक। सो आज हम सिर्फ वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट टुडे इंट्रोडक्शन, और यू कैन से ग्रीटिंग। जैसे हम किसी से मिलते हैं ना, ग्रीटिंग के दो तरीके हैं, एक तो इनफॉर्मल और फॉर्मल। अब फॉर्मल आपको जैसा कि यू कैन अंडरस्टैंड, द फॉर्मल मीन्स इफ यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू, और यू कैन से इफ यू आर गोइंग इन अ बिजनेस मीटिंग, यू वुड ऑलवेज यूज अ फॉर्मल मेथड ऑफ ग्रीटिंग। एंड इनफॉर्मल मतलब, लेट सपोज इफ यू आर मीटिंग योर फ्रेंड, योर कजन हु इज लाइक इन द सेम एज कैटेगरी, और मे बी मीन्स जिससे आप फ्रेंडली हो, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, दैट इज वेयर यू कैन यूज द इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। सो इफ आई से फॉर्मल, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ फॉर्मल वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो वॉट आर द वर्ड्स दैट वी कैन यूज फॉर ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में दीज आर वेरी कॉमन, ये हम बचपन से स्कूल से पढ़ते रहे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दीज आर द थ्री वर्ड्स। एंड यस, गुड नाइट इज नॉट अ ग्रीटिंग वर्ड, राइट? नेवर एवर इफ एनीवन टेल्स यू गुड नाइट, इट्स नॉट अ ग्रीटिंग वर्ड। ग्रीटिंग वर्ड्स आर ओनली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। गुड नाइट इज बेसिकली when you are about to go to sleep, that is when you say good night. Let's suppose agar main kisi se mila, I'm meeting a person at 9:30 in the evening, so that's, and if you're returning and if you're meeting, that doesn't mean good, you'll say and say good night. Yes, after meeting that person, if you're leaving back to your home, then you can say good night, right? And yes, again, if you're meeting a person at 7:30 and you know that you will not meet him again, you're going, like after meeting your relative or anyone, if you're going back to your home, then even if it is 8:30 or 9 or 7:30, you can say good night. Now let's come back to again good morning. So there's time dedicated. Good morning, you can say from early morning till 12, right? Good afternoon, from 12 till 5, that's when you say good afternoon. And after 5 p.m., that's good evening. So let's suppose if you're going for an interview, if you meet a interviewer is a person who is going to take your interview, that's interviewer, right? So you meet the interviewer. So what the first thing, if you're going for an interview and you have entered the room at like 10:30 or 11, you would say good morning sir, right? This is the formal way. This is something if you're going for an interview, if you are in a business meeting, or if you are in seminar, this is the word. Stick to this, do not use any fancy words, just good morning. That's the most you can say simple word, and it is acceptable by everyone, and everyone understands that. Don't use any fancy words. First of all, if you are in a formal meeting, if you are in a formal conversation with anyone, just use very simple words, good morning. Now after 12 p.m. if you're meeting with anyone, that would be a good afternoon. 12 till 5, good afternoon. And maybe if you have any meeting in the 6 or after 6:30, then it would be good evening. So these are the formal ways. Now coming to the informal. Informal is like greeting would be like, hey, how are you? Like
good morning are the just greeting words, good morning and good evening. So after that, like, good morning, how are you people? This is a formal way. So if you're talking to a friend, coming to the informal way, good morning, hey, how are you? Hey, how are you? This is an informal. Or you can say, hey, what's up? This is again an informal, where you're talking to your friend, your colleague, or any of your relative or your cousins. But again, if you are in a formal meeting, good morning sir, how are you? This is a formal way. Coming to good afternoon, it remains the same. Good afternoon, how are you sir? Again, when you are meeting with your relatives, the informal way, good afternoon, hey, what's going up? So informal way, you can use anything, you can use fancy words, anything you use, that's all acceptable. But yes, if you are learning English, I would not say that get all these fancy words in your mind. Start with basic, the formal way. Once you know the formal way, the informal way gradually comes automatically. You don't have to learn those things. When you'll be confident in speaking English a formal way, you would get all those fancy words around you. You'll always get these things automatically. You don't have to practice these things, right? Now, coming to the next point in the introduction part. Let's suppose if I am your teacher, you people, like I have 10 students and they all have entered in a new class and I'm a teacher, right? And I ask you, or I ask all of you people, to introduce yourself, right? And I'll just say, just give 3 or 4 sentences or introduce yourself. So what would be your reaction, or what would be your answer? I'll simply give an example. Let's suppose I say, yes, you stand up, Mr. A. Or if I say, okay, Shiv or Amit or any XYZ name, stand up. Can you please introduce yourself? So, I would say, good morning, sir. I am Shiv. That's the one-liner. That's a one-liner. You have told who you are. Now, coming to, if you're a student, then you have to tell about your past class. Good morning, sir. My name is Shiv, or I am Shiv, and I have completed my schooling. Let's suppose if you have entered a college, you have to first talk about the past. Good morning, sir. My name is Shiv, and I have completed my schooling from CMS with with PCM, or if you're passed out, well, PCM or PCB, whatever, or commerce or anything XYZ. So this is one thing. Now, once you have told about yourself, now coming the second thing in the introduction comes about your parents. Like my father is a government employee, and my mother is a housewife, and I have one sibling. He is like doing doctors, or he is doing engineering. And my grandparents, now if you can also add your grandparents as well. My grandparents are like, either you can say we live in a joint family, or you can say my grandparents live in village. They take care of like fields and farms. And at last, when it comes, this was all about me, sir. Thank you so much. Then you can sit down. So I'll just complete. I'll just introduce myself. Okay, I'll just give an example of myself. Good morning, sir. My name is Gyanendra Singh, and I have completed my schooling from CMS. And for higher education, not higher education. I'll just tell about my personal. Let me introduce myself. Good morning, sir. My name is Gyanendra Singh, and I have completed my schooling from CMS and graduation from Kanpur University. And after that, I moved to Delhi, and I worked for Wipro as a quality analyst. And after completing 3 years with Wipro, I moved on with IBM.
where I was working in band 5 as a team leader. And currently I am running my digital marketing company, and along with that I take freelancer classes for English speaking, and also I take classes for digital marketing. That was all about me. Thank you so much. So this is like if you are in a job. If you are a student, then you have to complete everything, right? So what I believe, this is the introduction part. We will be having one more session of introduction part, because this is not all about the introduction. So I'll be conducting one more part about one more part of introduction class in next video. So there's something exciting for you people. So I would request you to wait for my next video. Till then, have a great day ahead and do take care of yourself. And I would at last request you, I'm open for any kind of feedback. If you have any problem, if you have any questions, if you want anything that you want to discuss apart from this class, you can drop down the message in the comment box. I'll surely try my best to get it sorted out. And apart from this, coming Sunday or whenever I get people leaving comments in the comment box that when we can have live sessions, I'll make sure I'll be conducting live sessions once or twice in a week to make the class more interactive, where we will have people who want to learn English. That would be like much more easier for you people to learn, and that would be much more, you can say, fun to learn English. Because again, if you enjoy something, if you enjoy learning a subject, it would be much more easy for you to learn, and it would be much more fun. So thank you so much. Next video ke liye aap log bane rahiye, main bahut hi jaldi next lesson isi ka second part, introduction ka second part lekar aaunga. Tab tak ke liye, do take care of yourself and see you soon. Thank you so much.